Parents and students, welcome to the third video of standard third lesson number 6, food we eat. हमने जो है क्या देखा था, especially about the food. Okay, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ points clear कर रही है. जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, students to observe different types of food cooked at their home. यानी कि आप लोगों को ये observe करना है कि जो food बनता है, different kinds of food. यानी कि अलग अलग प्रकार के जो फूड हमारे घर में बनते हैं, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स हो गया, फिर उसके बाद में राइस है, चपाती है, या फिर गुड़ है, ये सारी चीजें जो हमारे घर में बनती है ना, सेम तो नहीं होता है कि डेली हम सेम दाल राइस खा रहे हैं, ऐसे नहीं है ना. वेजिटेबल्स है तो डिफरेंट वेजिटेबल्स मम्मी बनाती है. तो ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है. फिर आपको ये देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस ईट. और दूसरा ये है कि हर एक के घर में अलग अलग खाना बनता है. सबके घरों में, आपके यहाँ जो बना वो आपके फ्रेंड के यहाँ भी बने, आपके नेबर के यहाँ भी बने, ऐसे जरूरी नहीं है. सब लोगों के घर में जो है डिफरेंट फूड बनता है. ओके, और हमें क्या देखा था कि जो डिफरेंट एज के लोग होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो बड़े होते हैं और जो बूढ़े होते हैं, उनका खाना भी जो है वो डिफरेंट होता है. जो स्मॉल बेबी होते हैं वो हमारी खाना नहीं खा सकते हैं, और जो ओल्ड एज के होते हैं, जो एकदम से जो बूढ़े होते हैं, ओल्ड होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो भी हमारी तरह हार्ड चीजें नहीं खा सकते हैं. जैसे हमने वीडियो 2 में देखा था, जो भुट्टा नहीं खा सकते हैं वो, है ना. तो ये जो कड़क चीजें, जो हार्ड चीजें होती है, वो हमारी तरह नहीं खा सकते. प्लस हमें क्या देखना है, डाइवर्सिटी ऑफ फूड इन आर कंट्री. यानी कि डाइवर्सिटी, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आर अवेलेबल इन आर कंट्री. हमारी कंट्री कौन सी है, इंडिया. इंडिया इज अवर कंट्री. आपने अगर मैप देखा हो तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज है. तो ये सारी चीजों को मिला के क्या बनता है, हमारा इंडिया. हर एक स्टेट का फूड जो है डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल हम गुजरात में रहते हैं तो हमारे स्टेट का फूड अलग है, राजस्थान का फूड अलग है, बॉम्बे महाराष्ट्र का फूड अलग है, अगर गोवा में जाओ तो वहाँ अलग है, केरला में जाओगे तो वहाँ अलग है. तो ये जो फूड है वहाँ पर सब में हमें क्या है, डिफरेंट फूड हमें देखने के लिए मिलता है. ओके, देन हमने क्या कवर किया था, सी फूड आइटम्स प्रिपेयर्ड इन द फैमिली. जो घर में खाना बनता है वो हमने देखा था, जो डिफरेंट होता है. उसके बाद में क्या है कि आपको डिफरेंट ईटिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड इन द फैमिली. यानी कि खाना जब हम खाते हैं तो डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती है. कुछ के घर में जो है वेजिटेबल्स ही खाया जाता है, कुछ लोगों के घर में वेज नॉन वेज दोनों होता है. और वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनके रिलीजन के हिसाब से, सब अपने अपने कास्ट और रिलीजन, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से जो है फूड को फॉलो करते हैं. ओके, फिर उसके बाद में ये है अमाउंट ऑफ फूड कंजम्पशन ऑफ एज, जेंडर, हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटी. जैसे मैंने आपको बोला कि एज, किसी की एज छोटी है, किसी की बड़ी है, कोई ओल्ड है, तो वो हमारी तरह खाना नहीं खा सकते हैं. और अगर वो खाएंगे भी, जैसे कि हम अगर खा रहे हैं और हमारे साथ हमारे पेरेंट्स खा रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स खा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा खाना खाएंगे, क्योंकि उनकी जो फिजिकल, जो उनका बॉडी होता है, वो इतना ज्यादा खाना नहीं ले सकता है. जो छोटा बच्चा होगा वो भी हमारी तरह मतलब प्लेट में खाना लेके खा नहीं सकता है, उसका भी फूड बहुत थोड़ा सा होगा. ओके, तो जो अलग अलग जेंडर, अलग अलग एज के लोग होते हैं, वो खाना भी डिफरेंट खाते हैं और उतना क्वांटिटी में खाते हैं. ओके, नाउ सी हियर, मैम आपको जो है कुछ फूड के पिक्चर्स बताते हैं, जो आप यहाँ पर देखकर पहचान सकते हो कि हमारे इंडिया में जो है वो डिफरेंट फूड मिलता है. जैसे मैम ने बताया था ना, डाइवर्सिटी ऑफ फूड इन इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया में हर एक स्टेट में, हर एक जगह पर जो है डिफरेंट फूड मिलता है. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, छोले भटूरे इज देयर, देन वड़ा पाव इज देयर, डोसा इज देयर. ओके, तो एक के घर में अगर डोसा बनता है तो सबके घर में बने, ये जरूरी नहीं है. और हम बोलेंगे कि गुजरात में सिर्फ डोसा ही बनता है, गुजराती लोग ज्यादातर डोसा खाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है. ओके, ये जो चीजें हैं वो हमारे इंडिया के हर एक पार्ट्स का स्पेशलिटी है. वहां पर कुछ ना कुछ फेमस होता है, जैसे कि हम ये सारी चीजें खाते हैं. फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो, ढोकला, नीम डोसा, देन यहाँ पर ये जो साउथ की डिश है, तो यहाँ पर जो है आप लोग देखते हो कि डिफरेंट फूड है. मैम आपको बस यही बताना चाहते हैं कि हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे फूड आइटम्स अवेलेबल है, जो हम अगर इंडिया के हर एक प्लेस को विजिट करते हैं, स्पेशली जब हम हमारे पेरेंट्स के साथ कभी घूमने जाते हैं, तो आप देखोगे कि आपके एरिया में जो खाना मिलता है वहां पर वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. तो ये मैम आपको जो है बताना चाहती है.
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स हमें देखने के लिए और खाने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ सीरियल्स और ग्रेन्स हैं, वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको फोटोज में। ये है डिफरेंट दाल्स, ये तो हमें पता है ना, ये हम जो है डे टू डे लाइफ में हमारे किचन में मम्मी लोगों के पास भी होगी, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट दाल है, जैसे चना दाल हो गया, अरहर दाल हो गया, मग दाल हो गया, ब्लैक दाल हो गया। तो यहाँ पर देखो काफी सारे डिफरेंट दाल्स है जो हमारे किचन में भी अवेलेबल होगी। फिर यहाँ पर देखो डिफरेंट राइस वेराइटीज, हम जो राइस खाते हैं व्हाइट कलर का, अगर आपको राइस बोलोगे तो आपको एक ही वैरायटी पता होगी, व्हाइट कलर के जो राइस आते हैं हम जो हमारे घर में देखते हैं वो। लेकिन अगर आप इंडिया में जाकर इंडिया में घूमोगे तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस की वैरायटी आपको मिलेगी। कुछ ब्लैक राइस होते हैं, कुछ ब्राउन कलर में होते हैं, कुछ व्हाइट कलर में होते हैं, कुछ साइज में बड़े होते हैं, कुछ साइज में छोटे होते हैं। तो ये सारे आपको कलर देख लो ना, कुछ ऑरेंज कलर है, कुछ लाइट येलो है, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट राइस की वैरायटीज है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये है डिफरेंट ग्रेन्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर इतना क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे कि बीट हो गया है, राइस हो गया, रेड राइस, ब्लैक राइस यहाँ पर, और कुछ दाल है यहाँ पर, कॉर्न ग्रिड्स है, यानी कि जो हम भुट्टा खाते हैं ना, कॉर्न कॉर्न है वहां पर। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स है, यानी कि बोलने का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ राइस, दाल, पल्सेस, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट हमें देखने के लिए मिलता है हमारे इंडिया में। काफी लोग इसको फॉलो करते हैं, खाते हैं, सबके घरों में डिफरेंट चीजें खाने के लिए मिलती है। और सिर्फ घरों में नहीं, पूरे जगह हिंदुस्तान में हम कहीं भी चले जाए वहां पर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन रिलीजन के हिसाब से हमें फूड खाने के लिए मिलेगा। ओके, तो मैम अभी जो है आपको आगे दिखाती है थ्रू चैप्टर कि कुछ लोग ऐसे भी है जो अलग अलग कंट्री को बिलोंग करते हैं और उनका फूड पैटर्न भी डिफरेंट है। तो चलिए हम लोग जो है टेक्स्ट बुक की ओर चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो कुछ बच्चे हैं जो अपने फूड के बारे में बता रहे हैं और हमें पता चलेगा कि ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं या कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे ली चे, आई लिव इन हांगकांग, ये जो लड़की है वो क्या बोल रही है, कहाँ रहती है, हांगकांग, यानी ये हमारी इंडिया में नहीं है, ये आउट ऑफ इंडिया है, जो एक प्लेस है हांगकांग, ये वहां रहती है। और ये क्या खाते हैं वो हम देखेंगे, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नेक्स, वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नेक्स वी गो टू नियर बाय होटल एंड ईट लिंग हू फेन, यानी कि ये लड़की क्या बोल रही है, ये जो हांगकांग यानी कि फ्रॉम चाइना के आसपास नेबरिंग कंट्री को बिलोंग करते हैं और ये जो खाना है उनका स्पेशल फूड क्या है, वो है स्नेक। यस, अगर आपको हम बोल रहे हैं स्नेक तो आप लोग ऐसे फेसेस बनाओगे कि ये स्नेक कैसे खा सकती है। लेकिन जैसे मैम ने बोला कि हर एक डिफरेंट पार्ट जो होते हैं, चाहे वो हमारे इंडिया के हो या हम चलो इंडिया को छोड़कर पूरे वर्ल्ड को ले लेते हैं, वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फूड खाया जाता है। तो वैसे ही एक कंट्री है यहाँ पर हांगकांग, और ये लड़की जो है हांगकांग को बिलोंग करती है, और वो क्या बोलती है, उसको क्या खाना पसंद है, स्नेक। और जब भी उसको खाने का मन करता है वो अपनी मम्मी के साथ जाके होटल में वो स्नेक का वो स्नेक को खाते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है वो है जूनी, आई लिव इन कश्मीर, अब ये लड़की क्या है, नाम इसका जूनी है, वो क्या बोलती है, कहाँ रहती है, इन कश्मीर, ऑब्वियसली ये भी जो है हमारा आउट ऑफ इंडिया है। आई लाइक फिश कुक इन मस्टर्ड ऑयल, इनको जो है फिश खाना बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे फिश तो हमारे इंडिया में भी खाया जाता है, हमारे गुजरात में भी खाया जाता है, लेकिन स्पेशली जो कुछ ऑयल्स होते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, सिंग तेल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, वैसे ही मस्टर्ड ऑयल आता है ब्लैक कलर की सीड्स का, उसको उसमें फिश खाना ज्यादा पसंद है। Once we had gone to Goa, कहाँ पर गई थी वो, एक बार गोवा घूमने गई थी, we ate fish there but it tastes very different, my mother said that it was a sea fish cooked in coconut oil, it had to be different, अब ये क्या बोल रही है, उसको फिश खाना बहुत पसंद है, कश्मीर में वो लोग उसको मस्टर्ड ऑयल में पकाकर खाते हैं, लेकिन ये क्या बोलती है कि एक बार मैं गोवा गई थी और वहां पर जो हमने फिश खाई थी वो उसका टेस्ट जो है एकदम डिफरेंट था, क्यों, क्योंकि वो कोकोनट ऑयल में बनी थी। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाते हो तो उनका कुकिंग स्टाइल भी चेंज हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हमारी मम्मी जिस तरीके से खाना बनाती है वैसे दूसरे की मम्मी भी वैसा ही खाना बनाती हो, यानी कि
आप डिफरेंट पार्ट्स में जाओगे आपको फूड सेम मिलेगा मगर उसका बनाने का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा. देन सी एम आई लिव इन केरला. अब ये बॉय कहाँ रहता है? केरला में, जो कि इंडिया में है. आई लिव आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स. उसको ज्यादातर दो चीजें पसंद है, जैसे कि बोथ ग्रो इन आर कोर्टयार्ड, वन ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री एंड अनदर अंडरग्राउंड. दो चीजें पसंद है, एक तो टॉल ट्री यानी बहुत ऊंचा लंबा ट्री है उसके ऊपर ग्रो होता है, और एक है जो अंडरग्राउंड यानी ग्राउंड के अंदर उगता है. इट इज अ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टापियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, इट टेस्ट वेरी गुड. यानी कि इन शॉर्ट ये है कि यहाँ पर केरला में जो है ज्यादातर कोकोनट ग्रो होता है और इनको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कोकोनट. तो ये लोग क्या करते हैं कि कोकोनट ऑयल हो या फिर कोकोनट को क्रश करके ये लोग जो है अपने फूड के अंदर डाल के उसको खाते हैं, तो उनको वो उसका टेस्ट ज्यादा पसंद है. ओके, यहाँ पर कुछ लोग डिफरेंट ऑयल यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये लोग कोकोनट को यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें ग्रो होती है और वहां का खाना पीना भी डिफरेंट होता है, उसको बनाने की स्टाइल भी डिफरेंट होती है. ओके, तो हमने यहाँ पर क्या देखा? कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड. ओके, क्या देखा हमने? कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, वैसे ही इंडिया में या इंडिया के बाहर आप जाओ डिफरेंट रिलीजन तो मिलेगा आपको मगर डिफरेंट फूड भी मिलेगा, उसको बनाने का तरीका भी डिफरेंट होगा. ओके, तो हमने ये पूरे चैप्टर में क्या कवर किया? फूड के बारे में हमने ये देखा कि सबका जो खाने का पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, सब लोग सेम खाना नहीं खाते हैं. प्लस हमने ये देखा जो एज के लोग होते हैं वो भी इक्वल अमाउंट ऑफ फूड नहीं खा सकते हैं, उनका भी खाना डिफरेंट होता है. ओके, तो हमने ये पूरे चैप्टर को यहाँ पर फिनिश कर लिया है. होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. मैम विल मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल